caught in the crossfire. Hello everyone, myself Rahul Jaiswal and welcome to our JR Tutorial YouTube channel. Okay, तो आजकल जो हमारा टॉपिक है वो है डाइहाइब्रिड क्रॉस. ओके, तो अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जरूर से पढ़ा होगा. वहां पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो था वो एक सिंगल गैमेट के ऊपर हम लोग ने डिस्कशन किया था कि कैसे अगर हम लोग एक पी प्लांट का सिंगल गैमेट लेके और उसको हम लोग जब क्रॉसिंग करते हैं तो हमें यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो देखने मिलते हैं. वैसे सेम जो मेंडल जो साइंटिस्ट था उन्होंने क्या किया, यहाँ पे दो अलग अलग पी प्लांट के कैरेक्टर्स को लिया एंड दोनों को इस बार मिला के देखा. इसके लिए ये जो टॉपिक का नाम है वो है डाइहाइब्रिड. डाइहाइब्रिड मीन्स दो अलग अलग गैमेट्स को लेके यहाँ पे हम लोग ने सेल्फिंग किया है और उसके हिसाब से हमें न्यू फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियोस यहाँ पे निकाले हुए. ठीक है, तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं. ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, हमने यहाँ पे दो अलग अलग कैटेगरीज के क्या लिए हैं, पी प्लांट के सीड लिए हुए. तो पहला आप जो देखोगे यहाँ पे वो है राउंड येलो सीड एंड सेकेंड वन जो है वो है व्रिंकल्ड ग्रीन सीड्स. ठीक है, दो अलग अलग कैटेगरीज के हमने लिए हुए यहाँ पे. राउंड येलो सीड्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई कैपिटल वाई से. वैसे हम लोग व्रिंकल्ड ग्रीन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल वाई. अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि सेम हम लोग को कैपिटल आर जो कैपिटल आर है कैपिटल वाई है उसमें से एक एक गैमेट्स यहाँ पे लेना है हम लोग को, एक कैपिटल आर एंड एक कैपिटल वाई. वैसे ही दूसरा जो है एक स्मॉल आर एक स्मॉल वाई एंड दोनों को जब लेके हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, एफ वन जनरेशन निकालना है. व्हाट डू यू मीन बाय एफ वन जनरेशन, सेम दैट इज उसका फर्स्ट जनरेशन जो है वो क्रॉसिंग करने के बाद कैसा दिखेगा वो हमें यहाँ पे निकालना है. तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि हम लोग ने जब भी दोनों का हम लोग ने सेल्फिंग करवाया दैट इज एफ वन जनरेशन निकाला तो हमें जो रिजल्ट मिला वो मिला कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई. ठीक है, तो ये हमें एक मिक्स रेशियो का हमें क्या मिला, एक फिनोटाइप मिला. तो यहाँ पे आप जब इसका फिनोटिपिक रेशियो समझने की कोशिश करोगे या फिर इसका फिनोटाइप समझने की कोशिश करोगे तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर है इसका मतलब ये क्या बनने वाला है, राउंड बनने वाला है बिकॉज कैपिटल आर विल डोमिनेट अगेंस्ट स्मॉल आर. एंड सेकंड केस में कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो ये क्या बनने वाला है, दैट इज येलो बनने वाला है. तो इन शॉर्ट हम लोग ये कंक्लूड क्या कर सकते हैं फर्स्ट जनरेशन में, फर्स्ट फिजियल जनरेशन में क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो पी प्लांट बना उसका जो कैरेक्टर रहेगा या फिर इसका फिनोटाइप जो रहेगा दिखने में कैसा रहेगा, अगेन ये रहने वाला है राउंड येलो सीड. ठीक है, तो दिखने में तो ये राउंड येलो सीड है लेकिन अगर इसके हम लोग गैमेट्स की बात करें तो इसमें मिक्स तरीके के गैमेट्स है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर भी है कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई भी है, तो ये मिक्स कैटेगरी का गैमेट्स है. ठीक है, इसके बाद जो मेंडल साइंटिस्ट था उसने क्या सोचा कि यार एक तो मुझे ये पी प्लांट मिल गया जो कि है राउंड येलो दिखने में फिनोटिपिक के हिसाब से एंड अगर मैं क्या करता हूं इसके जैसा दिखने वाला एक और प्लांट को लेता हूं और वापस से दोनों के बीच में सेल्फिंग करवा के देखता हूं, दैट इज रिप्रोडक्शन करवा के देखता हूं तो हमें क्या कैटेगरी के प्लांट यहाँ पे ऑब्टेन होते हैं वो यहाँ पे हम लोग को देखना है. ठीक है, तो उसने हम लोग को क्या निकालने बोला यहाँ पे, सेकेंड जनरेशन दैट इज एफ टू जनरेशन. और हम लोग को पता है एफ टू जनरेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ आवर पनेट स्क्वायर डायग्राम मेथड. ठीक है, पनेट स्क्वायर डायग्राम मेथड से हम लोग निकालते हैं. पनेट स्क्वायर डायग्राम मेथड क्या बोलता है कि हमारे पास जितने भी गैमेट्स है, ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हो कि गैमेट्स हमारे पास कितने हैं, टोटल चार तरीके के गैमेट्स हमारे पास बन सकते हैं, दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई. ऐसे चार तरीके जो गैमेट्स है वो यहाँ पे हम लोग ने लिखे हुए. तो ये चार अगर गैमेट्स है तो जैसे मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में इसके पहले वाले वीडियो में मोनोहाइब्रिड क्रॉस के केस में जितने भी गैमेट्स रहेंगे उसका हम लोग को क्या करना है, स्क्वायर करना है और उतने ही बॉक्सेस यहाँ पे क्रिएट करने हैं. तो चार गैमेट्स के फोर का स्क्वायर हो गया 16, तो 16 बॉक्सेस हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है. तो आप देख सकते हो डायग्राम में 16 बॉक्सेस ऑलरेडी क्रिएटेड है. सेम आपको जो टॉप में है वो आपको ये जो गैमेट्स है उसको हॉरिजॉन्टली अरेंज करना है, सेम वही यहाँ पे वर्टिकली भी अरेंज करना है. जैसे कि आप देख पा रहे हो दोनों डायग्राम हम लोग ने अरेंज कर दिए हैं दोनों गैमेट्स को. अब इनके बीच में हमारे हमको कराना है सेल्फिंग. सेल्फिंग कराने के टाइम हम देख सकते हो जो फर्स्ट कॉलम है दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे भी जो फर्स्ट कॉलम है कैपिटल आर कैपिटल वाई, अगर ये दोनों को हम लोग क्रॉसिंग करवा रहे हैं इन शॉर्ट मल्टीप्लीकेशन करवा रहे हैं तो आप देख सकते हो जो बॉक्स में हमारा रिजल्ट आ रहा है फर्स्ट बॉक्स में वो आ रहा है कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई कैपिटल वाई. तो ये जितने भी 16 बॉक्सेस है वैसे ही हम लोग को इसका रिजल्ट है दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे निकालना है. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने मल्टीप्लाई करके ये सारे रिजल्ट निकाले हुए हैं यहाँ पे, टोटल 16 तरीके के रिजल्ट हमने ऑब्टेन हुए. ठीक है, ये तो चलो हो गया कि हम लोग को एक F2 जनरेशन हमें यहाँ पे मिल गया इन द फॉर्म ऑफ ए पनेट स्क्वायर डायग्राम मेथड.
लेकिन इसका मतलब क्या है, ये जो हम लोग ने निकाला इसका क्या मतलब है, कंक्लूड कैसे करें इसको। तो कंक्लूड हम कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने फर्स्ट वीडियो में जाकर देखा होगा, सेम कंक्लूड करना है हम लोग को इसका फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो बता के, कि इसके अंदर कौन सा प्लांट कैसा दिखने वाला है और उसके जो गैमेट्स है वो किस तरह से सेम है और किस तरह से डिफरेंट है, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहला चीज दैट इज फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो मतलब दिखने के हिसाब से यहाँ पे कितने प्लांट्स है और उसके कितने नंबर्स है। तो पहला जो है वो है यहाँ पे दैट इज राउंड येलो, ठीक है, तो राउंड येलो, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी बोल सकते हैं व्रिंकल येलो, थर्ड कैटेगरी राउंड येलो एंड फोर्थ कैटेगरी व्रिंकल, सॉरी थर्ड कैटेगरी राउंड ग्रीन एंड फोर्थ कैटेगरी व्रिंकल ग्रीन। टोटल चार यहाँ पे कैटेगरीज है हमारे पास, एंड चारों के अगर हम लोग रेशियो निकाले तो हमारे पास सबसे पहला जो चीज है दैट इज राउंड येलो। तो राउंड येलो हम लोग हमारे पास अगर आप टेबल में देखोगे तो राउंड येलो जो इतने भी है वहां पे बन रहे हैं 9, वैसे ही जो राउंड ग्रीन है वो बन रहे हैं यहाँ पे 3, अगेन जो व्रिंकल ग्रीन है व्रिंकल येलो है वो बन रहे हैं 3, एंड लास्ट में जो व्रिंकल ग्रीन है वो बन रहा है 1। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इसके जो फिनोटिपिक रेशियो है कैसे बनेगा, 9:3:3:1। तो ये हो गया इसका फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे इसके जीनोटिपिक रेशियो के लिए तो हम लोग को यहाँ पे टेबल फिर से देखना पड़ेगा। तो जैसा कि आप टेबल देख सकते हो जितने भी अलग अलग आपको गैमेट्स दिख रहे हैं सबको आप वन बाय वन लिख लो पहले, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो गैमेट्स है यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कितने कितने गैमेट्स बनेंगे अलग अलग। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने भी गैमेट्स है यहाँ पे हम लोग ने वन बाय वन नंबर वाइज अरेंज किए हुए हैं, ठीक है। तो पहला जो है वो है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है। सेकेंड जो है दैट इज कैपिटल आर कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है। थर्ड कैटेगरी कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फोर्थ वन कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। फिफ्थ वन कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई कैपिटल वाई। फिफ्थ सिक्स्थ वन कैपिटल आर स्मॉल आर एंड दोनों स्मॉल वाई। सिक्स्थ वन स्मॉल आर दोनों कैपिटल वाई। सेवेंथ वन दोनों स्मॉल आर एक कैपिटल वाई दूसरा स्मॉल वाई, एंड लास्ट वन दोनों स्मॉल आर एंड दोनों स्मॉल वाई। ये तो हम लोग ने लिख लिया वन बाय वन जितने भी उसके क्या थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स थे हमारे पास वो हम लोग ने अरेंज कर दिए। तो हमें क्या करना है अब हमें कि जितने भी टेबल है टेबल में से कौन कितने नंबर ऑफ प्रेजेंट है वो हमें वहां से काउंट करना है और यहाँ पे उसको नोट डाउन करना है। जैसे कि आप टेबल में आप काउंट करोगे, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो काउंट करके आप जब देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि जो आपका फर्स्ट कैटेगरी था दैट इज कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई वो सिर्फ पूरे टेबल में एक ही है, तो हम लोग उसके सामने क्या लिख रहे हैं दैट इज वन, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी आप देखोगे कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई पूरे टेबल में सिर्फ दो है, ठीक है। फिर थर्ड कैटेगरी दैट इज दोनों कैपिटल आर एंड दोनों स्मॉल वाई दोनों कैपिटल आर एंड दोनों स्मॉल वाई वो काउंट करोगे तो सिर्फ वन मिलेगा आपको, तो हम लोग ने लिख दिया वन यहाँ पे, ठीक है। फिर फोर्थ कैटेगरी दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे कितने हैं चार है, अगर आप काउंट करोगे ठीक से तो आपको चार देखने मिलेंगे वहां पे, दैट्स व्हाई हम लोग ने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया फोर, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई तो यहाँ पे टोटल दो ऐसे है जो इसको फॉलो करते हैं, तो हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया टू। फिर एक और है दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर एंड दोनों स्मॉल वाई, तो इसको अगर हम लोग काउंट करेंगे तो हम लोग को फिर से दो मिला यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है स्मॉल आर कैपिटल वाई वो वन है, दोनों स्मॉल आर एक कैपिटल वाई एक स्मॉल आर स्मॉल वाई सॉरी वो भी दो है, एंड लास्ट में जो है आपका दोनों स्मॉल आर एंड दोनों स्मॉल वाई ये वन है, ठीक है। तो ये हम लोग ने इसको वन बाय वन लिख लिया, एंड उसके सामने जितने भी थे हम लोग ने टेबल से काउंट करके यहाँ पे लिख लिया। तो इससे हम लोग कंक्लूजन क्या मिला, एंड टू एंड हम लोग को क्या निकालना है, इसका एक जीनोटिपिक रेशियो बताना है। तो रेशियो हम लोग कैसे बताएंगे कि ये जितने भी नंबर है उसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे। तो रेशियो इसका कैसे बन रहा है दैट इज 1:2:2:1:4:2:1:2:1:2:1, ठीक है। तो ये उसका हो गया रेशियो दैट इज 1:2:2:1:4:2:2:1:2:2:1। दिस इज द फाइनल जीनोटिपिक रेशियो ऑफ ए डाइहाइब्रिड क्रॉस ऑफ ए पी प्लांट, दैट इज हम लोग ने एक राउंड येलो सीड जब लिया और एक व्रिंकल ग्रीन सीड लिया एंड दोनों को क्रॉसिंग करके जो सेकंड फिलियल जनरेशन निकाला, तो ये हमारा एक क्या आ गया फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो, कुछ भी डाउट रहेगा आपको तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, होपफुली मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा वहां पे। एंड आपको अगर लगता है यहाँ पे कुछ भी क्वेरीज है किस रिलेटेड मुझे वीडियो आगे बनाना चाहिए तो आप वो भी वहां पे मेंशन कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप क्वेरीज कर सकते हो, ओके। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।